हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एपनॉटी। और हम आपके लिए लेके आए हैं एक एप्लीकेशन जिसका नाम है न्यूज़पेपर बिल। सो न्यूज़पेपर बिल एप्लीकेशन किस लिए है? ये उन लोगों के लिए है जिनका न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, ये है हमारा मेन पेज जो आप ऐप रन करने के बाद सबसे पहले देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आपको तीन तरह की लॉगिन्स नज़र आ रही हैं। फर्स्ट है एडमिन लॉगिन, सेकेंड है कस्टमर लॉगिन एंड थर्ड है एजेंट लॉगिन। तो एडमिन वो होगा जो मेन पर्सन होगा जिसका खुद का बिजनेस है। सेकेंड वन इज़ द कस्टमर। कस्टमर लॉगिन में जो कस्टमर्स रजिस्टर किए जाएंगे उन लोगों का लॉगिन यहाँ पे होगा। एंड थर्ड वन इज़ द एजेंट लॉगिन। एजेंट लॉगिन उन लोगों के लिए है जो लोग डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं पेपर, जो डिलीवरी बॉय सपोज कर सकते हैं, या फिर जो एजेंट्स लगाते हैं एडमिन पेपर डिलीवर करने के लिए, ये उन लोगों के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे एडमिन लॉगिन में। एडमिन लॉगिन में जाने के बाद आपको सबसे पहले साइन इन का ऑप्शन दिखेगा। साइन इन वो लोगों के लिए है जो जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप नीचे जाएंगे साइन अप में, क्रिएट एन अकाउंट साइन अप। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नज़र आएगा जहाँ पे आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एंटर कीजिए, जैसे कि आपका नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, जो कि आपका यूज़र नेम रहेगा, पासवर्ड एंड सिटी एंड कंपनी शॉर्ट नेम इज़ नॉट कंपल्सरी, यू कैन ऐड और नॉट। सो वी विल ऐड द डिटेल्स। सो इस तरह से हमने डिटेल फिल कर दिए एंड देन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। देन हम दोबारा जाएंगे एडमिन पेज पे और हम अब लॉगिन करेंगे अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से। आपने जो ईमेल आईडी वहाँ पर एंटर की थी रजिस्टर करते वक्त, वही आईडी आप यहाँ पे एज अ यूज़र नेम यूज़ करेंगे। एंड साइन इन। साइन इन होने के बाद आपको ये मेन डैशबोर्ड एडमिन का नज़र आएगा। इसमें आपको जैसे दिख रहा होगा, सबसे पहला स्टेप होगा हमारा न्यूज़पेपर ऐड करना, सेकंड स्टेप होगा हमारा एजेंट्स ऐड करना, थर्ड स्टेप होगा हमारा कस्टमर्स ऐड करना एंड देन फोर्थ स्टेप में आप अपने कस्टमर्स की लिस्ट देख सकते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज़पेपर ऐड करने से। यहाँ पे हम डालेंगे कुछ न्यूज़पेपर के नेम। न्यूज़पेपर का प्राइस एंड देन ऐड। ऐड करने के बाद अगर आपको चेक करना है कि कौन कौन से न्यूज़पेपर आपने ऐड किए हैं तो आप जाएंगे व्यू पे और यहाँ पे आपको आपके न्यूज़पेपर्स शो होंगे। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि नाम अगर रॉन्ग हो चुका है या फिर आपको प्राइस चेंज करना है, तो आप जा सकते हैं एडिट में। तो आप इस लिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एडिट करने के लिए ऑप्शन, तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। सपोज़ 5 की जगह 6 रुपीज़ एंड देन अपडेट। तो इस तरह से हमारे न्यूज़पेपर की डिटेल्स अपडेट हो गई हैं। तो आप अपने पूरे न्यूज़पेपर्स यहाँ पे इस तरह से वन बाय वन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एजेंट। एजेंट ऐड करेंगे हम एजेंट नेम, एजेंट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड उसको किस एरिया में या किस रूट पर न्यूज़पेपर डिलीवर करने हैं तो वो आपको यहाँ स्पेसिफाई करना होगा। एंड सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है एक्टिव एंड डीएक्टिव स्टेटस। सपोज़ अगर वो पर्सन आपके पास अभी काम नहीं करता है तो आप उसका स्टेटस डीएक्टिव कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो एक्टिव रहेगा। तो इस तरह से डिटेल ऐड करने के बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है एंड देन सेव सक्सेसफुली। आपको लिस्ट शो करनी है या देखनी है तो व्यू में जाएंगे और आपको यहाँ पे आपका कस्टमर एंड राइट हैंड साइड में आपको जो नंबर एक दिख रहा है 6 डिजिट, तो वो होगा हमारे एजेंट का पिन जो उसकी लॉगिन के लिए इन फ्यूचर यूज़ किया जाएगा फॉर एजेंट लॉगिन। नीचे उसका फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, जो लोकेशन पे उसको डिलीवर करना है रूट एंड देन उसका स्टेटस दिया हुआ है। और वैसे ही सेम
आपको अगर इसकी डिटेल्स एडिट करनी है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू ऐड कस्टमर। कस्टमर ऐड करने के लिए आपको स्टेप 3 पे क्लिक करना होगा, दैट इज़ द कस्टमर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स एंटर करनी है, सपोज़ नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस। और यहाँ पे आते हैं डेज, आपको किस डे में कौन सा न्यूज़पेपर डिलीवर करना है आप उस तरीके से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे आपके न्यूज़पेपर्स, नीचे टोटल अमाउंट, कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए चाहिए वो भी। एंड देन यहाँ पे आएगा आपका एजेंट, एजेंट वाइज आपका नीचे रूट शो हो जाएगा। रिमार्क आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नॉट कंपल्सरी। यहाँ पे आएगा उनका एड्रेस, एक्टिव स्टेटस। देन अगर ओल्ड बैलेंस कुछ है आपके कस्टमर्स पहले से हैं, अगर उनका कुछ बैलेंस पेंडिंग है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। एंड देन नीचे उसका रजिस्ट्रेशन डेट। सो हम ऐड करेंगे अभी डिटेल्स। न्यूज़पेपर्स कैसे ऐड करेंगे, सपोज़ एक पेपर है जो उनको डेली चाहिए, तो हम ऑल डेज ऊपर सिलेक्ट करेंगे एंड नीचे दैनिक जागरण, एंड देन क्लिक ऑन ऐड। तो इस तरीके से आपको नीचे आपका न्यूज़पेपर कौन से दिन के लिए है एंड उसका प्राइस शो होगा। इनकेस अगर आपको ये रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आपका न्यूज़पेपर रिमूव हो जाएगा। सो तो यहाँ पे हमारा टोटल प्राइस हो गया है 6 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने एक न्यूज़पेपर ऐड किया है। अब हमें नेक्स्ट किसी और डे के लिए, जैसे सपोज सैटरडे के लिए हमें एक अलग न्यूज़पेपर चाहिए, तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप मल्टीपल न्यूज़पेपर्स ऐड कर सकते हैं। और हमारे कस्टमर का एड्रेस है रवि नगर, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे दूसरा एजेंट जिसका रूट है रवि नगर। रिमार्क में आप चाहे तो डाल सकते हैं ऑन 8 AM एंड स्टेटस एक्टिव, 100 रुपीज़ सपोज उनके बैलेंस हैं। और उसके बाद नीचे हम डेट, रजिस्ट्रेशन डेट डाल सकते हैं। तो हम अभी के लिए एंड रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। इसी तरह से हम कुछ और कस्टमर्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कस्टमर्स की लिस्ट। सो जाएंगे हम स्टेप नंबर 4, कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट में क्लिक करने के बाद आपने जो जो रूट्स क्रिएट किए थे या जो जो एजेंट्स क्रिएट किए थे उनका रूट वाइज नेम यहाँ पर शो होगा। तो हमारे पास दो एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें डिलीवर करना है न्यूज़पेपर, एक तिलक नगर एंड रवि नगर। तो तिलक नगर में हमारे पास यहाँ पे दो कस्टमर्स हैं और इसी तरह रवि नगर में हमारे पास एक कस्टमर है। तो आपको अगर चेक करना है कि किस कस्टमर के पास कितने न्यूज़पेपर है, उसने कब न्यूज़पेपर लिया है नहीं लिया है, तो आप क्लिक करेंगे लिस्ट पर। और इस तरह से आपको संडे के न्यूज़पेपर एक अलग कलर में शो होंगे एंड ऑल डे न्यूज़पेपर एक अलग कलर में शो होंगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सपोज़ अगर आप जा रहे हैं किसी वेकेशन पे, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपके पास, प्लान वेकेशन। अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपको उस वक्त में न्यूज़पेपर नहीं डिलीवर करवाना है घर पे, तो आप प्लान वेकेशन चूज़ कीजिए। यहाँ पे आप डेट चूज़ कीजिए कि आप कब नहीं है अवेलेबल। सपोज़ स्टार्टिंग डेट है हमारी 6 एंड हम 6 से लेके 10 तक अवेलेबल नहीं है, देन ओके। तो इतने जो दिन हैं आपके कैलेंडर में तो वो रेड मार्क में शो होंगे। तो और नीचे यहाँ पे आपको डेट शो हो गई जो कि नो न्यूज़पेपर की फॉर्मेट में आ जाएगी। तो आप नीचे भी देख सकते हैं कि आप किस किस डे पे अवेलेबल नहीं थे और आपको ऊपर कैलेंडर व्यू में भी शो होगा। नेक्स्ट आपको अगर कस्टमर की डिटेल्स एडिट करनी है तो आप यहाँ से वो भी एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आपको करना होगा सेव। सपोज हमने एड्रेस एडिट किया है एंड देन अपडेट सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें शो हो रही हैं, जैसे कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस, उसके न्यूज़पेपर्स, उसका फ़ोन नंबर
कितने ड्यूरेशन के लिए लिया है एंड देन स्टेटस उनका। और टॉप एंड राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है उनका पिन जो कि कस्टमर लॉगिन के वक्त यूज़ होगा। सो नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू जनरेट बिल। तो हमारे एप्लीकेशन में बिलिंग का भी फीचर दिया हुआ है। तो जैसे ही आपका मंथ एंड होता है नेक्स्ट मंथ में आप क्या करेंगे प्रीवियस मंथ का बिल जनरेट कर सकते हैं। तो बिल जनरेट करने के लिए आपको टॉप में राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है, नाउ क्लिक ऑन द जनरेट बिल बटन एंड हियर इज़ अ पॉप अप जनरेट बिल ऑफ ऑल कस्टमर्स। तो हम क्लिक करेंगे येस पे एंड देन बिल जनरेटेड सक्सेसफुली। अब आपको कस्टमर्स की लिस्ट देखनी है जिन जिन के बिल जनरेट हुए हैं, तो आप जाएंगे नीचे के ऑप्शन में पे बिल। सो लिस्ट कैसे देखेंगे, तो जाएंगे हम पे बिल ऑप्शन में। पे बिल ऑप्शन में जाने के बाद आपको लिस्ट दिखेगी कस्टमर्स की, तो आपको जिसका पेमेंट करना है आप उसके नाम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक रिसिप्ट शो होगी उनकी, इसमें रिसिप्ट नंबर बिल डेट और कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। तो जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे पेइंग अमाउंट के सामने आपको क्लिक करना है और जितना भी अमाउंट आपको पे करना है वो आप यहाँ पे एंटर करोगे। सपोज़ 125 का हमारा बिल है तो 125 हम पे करेंगे एंड देन पेड। इन केस अगर आपको इसी बीच इसकी रिसिप्ट की कॉपी भी निकालनी है तो ऊपर राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जनरेट पीडीएफ। तो एक रिसिप्ट की पीडीएफ आपकी जनरेट हो जाएगी। आप इस रिसिप्ट को शेयर भी कर सकते हैं आपके कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो जैसे नीचे शो हो रहा है आप यहाँ से किसी पे भी शो सेंड कर सकते हैं एंड देन पे और पे करते करने के बाद ही हमारी ये लिस्ट से वो नेम रिमूव हो जाएगा क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन का इस मंथ का पेमेंट हो चुका है। देन बिल हिस्ट्री में हम जाके देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी पेमेंट की है, किस डेट पे की है, किस मंथ की है। इसके बाद हमारे पास है कुछ रिपोर्ट्स जो आपको आपका ओवरव्यू देंगी मंथली पेमेंट एंड पेंडिंग जो पेमेंट्स है आपकी, उन सब का ओवरव्यू देने के लिए हमने कुछ रिपोर्ट्स यहाँ ऐड की हुई हैं। उसके लिए हम जाएंगे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट मंथली रिपोर्ट। मंथली रिपोर्ट आपको किस पर्सन की देखनी है, किस कस्टमर की देखनी है, तो हम क्लिक करेंगे उस कस्टमर के नेम पर और यहाँ पे दिख रहा है हमें पूरे मंथ का रिपोर्ट, उन्होंने कौन से न्यूज़पेपर लिए हुए हैं और डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है। सो इनकी पूरे मंथ में डिलीवरी हुई है। सेकेंड हम देखेंगे यहाँ पे एक कस्टमर है जिन्होंने कुछ दिन न्यूज़पेपर नहीं लिया है, तो यहाँ पे उनका नो न्यूज़पेपर स्टेटस आपको शो हो जाएगा। आप ऊपर से मंथ चेंज करके भी देख सकते हैं एंड ईयर। नेक्स्ट हम देखेंगे पेमेंट रिपोर्ट्स। तो पेमेंट रिपोर्ट में आपको दिख जाएगा किस कस्टमर ने कितना पेमेंट किया है और कितना उनका बैलेंस है। तो आप इस तरीके से पेमेंट रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं। देन है पेंडिंग पेमेंट रिपोर्ट। पेंडिंग पेमेंट रिपोर्ट में आपको उन लोगों का नाम दिखेगा जिन लोगों ने अभी तक पेमेंट नहीं की है। तो यहाँ पे हमारे एक कस्टमर ने पेमेंट नहीं की है तो उनका नाम हमें पेंडिंग पेमेंट रिपोर्ट में शो कर रहा है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द एडमिन डैशबोर्ड। एडमिन के पास जितने फीचर्स हैं, एडमिन क्या क्या हैंडल कर सकता है, वो सब हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर डैशबोर्ड या कस्टमर लॉगिन। तो कस्टमर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको चाहिए होगी कंपनी आईडी, आपकी जो कंपनी आईडी है, और नेक्स्ट आपको लगेगा उस कस्टमर का पिन। सो कंपनी आईडी के लिए हम जाएंगे, सबसे लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंपनी आईडी ऊपर सबसे ऊपर शो हो रही है और कुछ कंपनी डिटेल्स भी शो हो रही है। तो ये कंपनी आईडी हम नोट डाउन कर लेंगे।
सो कंपनी आईडी हमें मिल चुकी है। देन हम देखेंगे कस्टमर का पिन। कस्टमर की पिन के लिए हमें जाना होगा कस्टमर लिस्ट में, और यहाँ आपको पर्टिकुलर कस्टमर की पिन शो हो रहे हैं, तो ये पिन भी हमने नोट डाउन कर लिया है। अब हम जाएंगे मेन पेज पे, जहाँ पे हमें दिख रहा है कस्टमर डैशबोर्ड। सो हम कस्टमर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें वेरीफाई करना होगा हमारी कंपनी को कि हम कौन सी कंपनी से हैं। तो हम डालेंगे कंपनी आईडी, चेक करते बराबर यहाँ पे कस्टमर मैच्ड का आपको पिन आ रहा है। देन कस्टमर पिन ऐड करेंगे एंड देन साइन इन। लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद ये आपको शो हो रहा है कस्टमर डैशबोर्ड। कस्टमर डैशबोर्ड में भी सेम चीज़ें नज़र आएंगी जैसे आपको एडमिन के कैलेंडर में शो हो रही थी। कस्टमर भी यहाँ से अपना वैकेशन प्लान ऐड कर सकता है इनकेस अगर उसे जाना है कहीं। प्लान वेकेशन पे क्लिक करके फ्रॉम डेट एंड टू डेट एंटर करके वो भी यहाँ से सेट कर सकता है एंड नीचे लिस्ट शो हो जाएगी। नेक्स्ट आपको सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है उसका मंथली बिल। मंथली बिल उसने अभी पे किया है 125 रुपीज़ का, तो यहाँ पे शो हो रहा है, और नहीं किया होगा तो बैलेंस में शो होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पेमेंट हिस्ट्री, तो यहाँ पे उन्होंने पेमेंट कर दी है तो पेमेंट हिस्ट्री में शो हो रहा है उनका डिटेल्स। एंड लास्ट वन ऑफ द लिस्ट चेक कर सकते हैं कंपनी प्रोफाइल कि किस कंपनी से रजिस्टर्ड है। यहाँ पे कंपनी नेम, आईडी और कुछ डिटेल्स शो हो रही है कंपनी की। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द कस्टमर्स डैशबोर्ड। अगर कस्टमर चाहे तो यहाँ से लॉग आउट भी कर सकता है। ऊपर ऑप्शन दिया गया है लॉग आउट का, आर यू श्योर वांट टू लॉग आउट, देन येस। तो इस तरीके से कस्टमर लॉग आउट भी कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एजेंट, और एजेंट का पिन हमें देखने के लिए जाना होगा एजेंट लिस्ट में। तो हमारे फर्स्ट एजेंट का पिन हम नोट डाउन कर लेंगे। देन जाएंगे हम एजेंट लॉगिन में। यहाँ पे भी हमें सबसे पहले अपनी कंपनी वेरीफाई करनी होगी। एजेंट मैच्ड, अब एजेंट का पिन हम जैसे ही डालेंगे तो यहाँ हमारा एजेंट डैशबोर्ड शो हो रहा है। एजेंट डैशबोर्ड में उसे जो जो रूट्स अलॉट किए गए हैं वो रूट यहाँ पे शो होंगे। रूट पर क्लिक करने के बाद उसे कस्टमर शो होंगे, कौन से कस्टमर उसके अंडर में हैं। कस्टमर पे क्लिक करने के बाद एजेंट उनका डिटेल्स देख सकता है, फॉर एग्जांपल उनका नेम, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस। ओके, सो अगर एजेंट को डिलीवर करने जाना है तो एजेंट इजीली यहाँ से उनके लिए डिलीवर करने जा सकता है। नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्लिक अबाउट टू रिडायरेक्ट ऑन लोकेशन। सो इन केस एजेंट को रिडायरेक्ट करना है खुद को उसके लोकेशन पे, सो वो मैप से लोकेशन देखकर भी जा सकता है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे मैप पे उसका लोकेशन एंड देन एजेंट रिडायरेक्ट होके वहाँ तक जा सकता है इजीली। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द एजेंट डैशबोर्ड। एजेंट कैन ऑल्सो लॉग आउट फ्रॉम हियर, ऊपर ऑप्शन दिया गया है लॉग आउट के लिए, क्लिक एंड यस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़पेपर बिलिंग एप्लीकेशन। तो आप इसे यूज़ कीजिए, अपना बिजनेस को इम्प्रूव कीजिए एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। Thank you so much.